आरएपीजी कॉलेज के जनसंचार तथा पर्यटन विभाग द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में बीए एमसी तथा बीटीएम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने अपने सीनियर्स को विदाई दी। प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें भविष्य में लक्ष्य को निर्धारित करते आगे बढ़ते रहना चाहिए व निरंतर प्रयासरत रहने से हमें सफलता अवश्य मिलती है। पार्टी में सीनियर्स ने अपने 3 वर्षों का अनुभव सभी के साथ साझा किया और गानों की धुनों पर जमकर नृत्य किया। शेरो शायरी, कविता, चुटकुले, गीतों से सभागार गूंज उठा। छात्र छात्राओं की रैंप वॉक ने सभागार में सभी का मन मोह लिया। प्रोफेसर दिनेश घालियान ने कहा कि मीडिया क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, हमें प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जनसंचार विभाग में विदाई समारोह में मिस्टर फेयरवेल का खिताब रजत सिंगला तथा मिस फेयरवेल का खिताब मंजू को मिला, जबकि मिस्टर इवनिंग विजय भोकर तथा मिस इवनिंग का खिताब सिमरनजीत कौर को मिला। वहीं पर्यटन विभाग में मिस्टर फेयरवेल कुणाल गुप्ता व मिस फेयरवेल प्रियंका रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं नव वर्ष नई संवत का की बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगा। विक्रमी संवत 2076 आज से प्रारंभ हुआ है, आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, एक हमारे यहाँ आज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है कॉमर्स डिपार्टमेंट का, जिसमें डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर से जो है प्रोफेसर आए हुए हैं। वो स्टाफ को केस राइटिंग के बारे में, बच्चों को जो टीचर्स को नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई नई टीचिंग टेक्निक्स आ रही हैं, उनके बारे में पूरे दिन का सुबह से शाम तक का एफडीपी हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसके पीछे ध्येय यही है कि टीचर्स के नॉलेज को अगर अपडेट किया जाएगा तो उसका रियल फ़ायदा जो है बच्चों को होगा। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट और बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की फेयरवेल चल रही हैं, जहाँ पर बच्चों को शुभकामनाएँ दी जा रही हैं कि वो 3 साल उन्होंने अपने अमूल्य इस कॉलेज में लगाए हैं, तो उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको पता लगाया जाता है, ताकि जो भी आगे आने वाले समय में और बेटर फैसिलिटीज़ हम दे पाएँ, हम प्रयास करेंगे। तो इन सभी बच्चों को मैं अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी टीचर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।